हमारे चैनल हिस्ट्री गुरु इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री गुरु इंडिया व्लॉग। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों, जिसमें हम अपने गांव के बारे में आपको हमारे खेत के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्यूबवेल चल रही है जिससे गेहूँ की पिलाई की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर गेहूँ की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है, ये गेहूँ के खेत है। दोस्तों ये सारे गुलाब के पौधे हैं, आप देख सकते हो गुलाब की खेती भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में की जाती है। मैं आपको पास से बताता हूँ। दोस्तों ये सारे गुलाब के पौधे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं की खेती काफी मात्रा में की जाती है। ये सारे दोस्तों गेहूं के खेत हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा लहसुन का खेत है, यहाँ पर लहसुन की खेती भी काफ़ी मात्रा में की जाती है। और उसके पास वाला जो खेत है वो गेहूं का खेत है, ये पूरी इसकी पिलाई हो चुकी है अभी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये सरसों का खेत है, सरसों की खेती भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो सरसों बहुत सुंदर लगती है। सरसों की खेती राजस्थान में बहुत की जाती है। दोस्तों सरसों के पूरे खेत आगे तक आप देख सकते हो, पूरे सरसों की खेती की जाती है, पूरा व्यू है सर। और दोस्तों आपको पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं कि राजस्थान का फर्स्ट नंबर आता है सरसों प्रोड्यूस करने में। दूर तक आप देख सकते हो सारे खेत सरसों के खेत है। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि सरसों में पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, यह एक दो पिलाई में पूरी सरसों की खेती हो जाती है, पूरे सारे खेत सरसों के खेत है। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों हमारे चैनल हिस्ट्री गुरु इंडिया को भी सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।